सावधान, दूसरे T20 में डेब्यू करने जा रहा है रफ्तार का बादशाह। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि भारतीय टीम के लिए दूसरे T20 मुकाबले में डेब्यू करेगा, यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जहां पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में वापसी करना आता है और भारतीय टीम अभी से अपने प्लेइंग 11 में काफी सारे बड़े बदलाव करने जा रही है। ऐसे में दोस्तों एक जो मेजर बदलाव निकल कर आ रहा है वो यहां पर दोस्तों बॉलिंग साइड को लेकर। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम अक्सर कोई भी बॉलर को लेकर ज्यादा क्योर नहीं रहती, क्योंकि पहले T20 मुकाबले में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय टीम को बॉलर्स नहीं हरवा दिया, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने रखा था साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसे 19.1 ओवर्स में ही बॉलर्स ने चेस करा दिया। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम अब अगले मुकाबले के लिए पूरी तैयारियों में जुट चुकी है और अब भारतीय टीम की तरफ से एक रफ्तार का बादशाह डेब्यू करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उनका नाम है उमरान मलिक। जी हां दोस्तों 160 की स्पीड से फेंकने वाले उमरान मलिक IPL में काफी अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं। अभी तक खेले उन्होंने IPL में बेहतरीन मुकाबलों में 17 मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से उनको अब टीम इंडिया में पिक किया जाना है और टीम इंडिया की तरफ से वो भौकाल मचा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या उमरान मलिक के आने से टीम इंडिया सुधर जाएगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।